पागल। हमारे देश में शिक्षक को गुरु माना जाता है और गुरु के कंधों पर अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन भोपाल में एक महिला प्रोफेसर खुद ही संस्कार भूल गई और गुस्से में आकर एक गरीब फल वाले के फल सड़क पर फेंकने लगी। फल वाले का कसूर महज इतना था कि उसके फल का ठेला महिला प्रोफेसर के कार से थोड़ा सा टकरा गया था, लेकिन महिला ने आओ देखा ना ताओ और पहले तो खरी खोटी सुनाई और इसके बाद फल वाले के फल पीछे सड़क पर फेंकने लगी। देखिए पूरा वीडियो। बहरहाल इस मामले में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने ठेले वाले और महिला प्रोफेसर के बारे में पता करने और उसके बाद कार्रवाई करने के लिए कहा था। वहीं पीड़ित ने कहा कि मैडम के पति हमारे पास आए थे और सॉरी बोला था, लेकिन मैडम नहीं आई। मामला भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र के अयोध्या नगर इलाके का बताया जा रहा है। सुबह सुबह फल वाला अपने फल लेकर ठेला पर इलाके में घूम रहा था। इसी दौरान महिला प्रोफेसर आई और उनकी कार से फल वाले का ठेला थोड़ा टकरा गया। इसके बाद महिला प्रोफेसर ने आओ देखा ना ताओ और पहले तो फल वाले के ऊपर खूब भड़की और इसके बाद उसके फल सड़क पर फेंकने लगी। फल वाला एक तरफ खड़े होकर सब कुछ देखता रहा। महिला भोपाल की एक टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि ये घटना करीब एक हफ्ते पहले की है। इसके बाद 11 जनवरी को भोपाल कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर इसका संज्ञान लिया और सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा कि सोशल मीडिया पर भोपाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला फल के हाथ ठेला से फलों को जमीन पर फेंकती नजर आ रही है। उक्त मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को महिला एवं हाथ ठेला वाले को पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कलेक्टर महिला प्रोफेसर के गुस्से का शिकार हुए ठेले वाले अशरफ ने बताया कि घटना करीब एक हफ्ते पुरानी है और रोजाना की तरह उस दिन भी दोपहर को करीब 12 बजे अयोध्या नगर के भवानी धाम इलाके में फल बेच रहे थे। इसी दौरान कॉलोनी में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से हाथ ठेला टकरा गया, लेकिन मैडम को गुस्सा इतना आ गया कि पहले तो मैडम ने खूब खरी खोटी सुनाई और इसके बाद सड़क पर ही फल फेंकना शुरू कर दिया। अब मामले की पिपलानी थाना में शिकायत की गई है। पुलिस ने मैडम और उनके पति को बुलाया था। उनके पति परिचित निकले और वह सरकारी अधिकारी हैं, किस विभाग में काम करते हैं ये पता नहीं है। उन्होंने सॉरी कहा है लेकिन मैडम अभी तक नहीं आई। फिर बाद में समझौता कर लिया गया। के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।